وليمحص यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे, और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने उसको आंखों से देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिबे सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाके हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुजदिली की, न काफिरों से दबे, और अल्लाह इस्तिक्लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा, और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा,
और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है।